नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मैं आपके बीच एक सवाल लेकर आया हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछ रहा हूं, क्या हिंदू साधु संतों को बदनाम करने की एक सुनियोजित चाल चली जा रही है, जिसमें आदि शंकराचार्य जी, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, बाबू आसाराम, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बापू को सिर्फ आरोप के दम पर जेल के शिक्षों के पीछे रखा गया है? सिर्फ आरोप के नाम पर क्या किसी और धर्म, संप्रदाय, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर को कभी ऐसे रखा गया है? आरोप के नाम पर कितने दिनों तक बापू आसाराम जी को जेल के भीतर रखा जाएगा? क्या यही न्याय है? दोस्तों, इस बात पर सवाल उठता है कि अभी अभी एक ताजा उदाहरण देखने को मिला डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी का। राम रहीम जी उस अदालत में थे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस अदालत में जहां वकीलों के फोन तक बंद थे, डॉक्टर का फोन बंद था, कुछ लोगों के अलावा जहां बाहरी व्यक्ति की का प्रवेश विवर्जित था, पर मीडिया वहां से 3 किलोमीटर दूर सूत्रों के नाम पर खबरों का दुष्प्रचार कर रही थी। वो सूत्र कौन था जो मीडिया के बीच आकर अदालत की जासूसी कर रहा था? वो सूत्र कौन था जो अदालत के साथ गद्दारी कर रहा था? वो सूत्र कौन था जो न्याय के साथ गद्दारी कर रहा था? आखिर वो सूत्र कौन था जो झूठ फैला रहा था? वो सूत्र कैसे बता रहा था 3 किलोमीटर दूर खड़ी मीडिया को कि अब बाबा ने हाथ जोड़े, अब बाबा ने गिड़गिड़ाए, अब बाबा रोने लगे, अब बाबा जमीन पर लेट गए, अब बाबा नौटंकी कर रहे हैं? ये कौन सूत्र था, जबकि बाबा के वकील का साफ कहना है कि बाबा हौसले के साथ खड़े थे, बाबा बुलंदी के साथ खड़े थे। ऐसा सूत्र कौन था जो बाबा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? जाहिर तौर पर यह सब एक साजिश थी, एक साजिश थी बाबा के भक्तों का हौसला तोड़ने का, बाबा को बदनाम करने का। और दोस्तों, क्या यही अदालत है? इसके ऊपर भी अदालत है। क्या यही आखिरी न्याय है? इसके बाद भी न्याय होगा। अगर न्याय बाबा के पक्ष में हो जाता है, संयोग करो, तो क्या मीडिया इतनी ही देर की कवरेज करेगी, अपने गुनाहों की माफी मांगेगी, अपने आप को साबित करेगी कि हम उस वक्त झूठ बोल रहे थे, अब सच है? क्या इस मीडिया में इतना दम है कि वो सच को लाएगी? दोस्तों, कभी नहीं होता। ये मीडिया सिर्फ आरोप लगाती है, लेकिन जब आरोपी के पक्ष में फैसला आता है तो छोटी खबर दिखाकर ये गुम हो जाती है। वो सूत्र कौन था जिसने अदालत में गद्दारी की, अदालत के साथ गद्दारी की, पहरेदारी के बीच में छेद किया? ये सूत्र को इतनी आजादी क्या क्यों है, कैसे है, किसने दे रखी है कि वो किसी के खिलाफ कोई भी बयान दे सके? बाबा कमजोर नहीं, बाबा कायर नहीं, बाबा डरपोक नहीं, ये सिर्फ वो सूत्र बता रहा था, जबकि 5 करोड़ 6 करोड़ लोग कहते हैं कि हमारा शेर बब्बर शेर है और वो वक्त के साथ वापस आएंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदू संतों को, हिंदू समाज सेवियों को, हिंदू पुरोधाओं को बदनाम किया जा रहा है, और इस बदनाम में करने में मीडिया का क्या रोल है, मीडिया की क्या भूमिका है, इस पर भी गहन जांच होनी चाहिए। आखिर इस सूत्र को कितनी छूट देनी चाहिए कि वो किसी का मखौल उड़ा सके, किसी का मजाक उड़ा सके, किसी का बेबुनियादी आरोप लगा सके? ये वही मीडिया है दोस्तों जिसे ये तक खबर नहीं थी कि सजा 10 साल की है या सजा 20 साल की, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से 10 साल चला दिया। तो सोचो, इन्हें यह कैसे पता होगा कि बाबा रो रहा है, बाबा के आंखों में आंसू है, बाबा गिड़गिड़ा रहा है? जाहिर तौर पर ये झूठ है और झूठ का प्रचार किया गया। इस झूठ के प्रचार को बंद करना होगा। मेरी गुजारिश है आवाम से, हिंदुस्तान के रहनुमाओं से, हिंदुस्तान के न्यायाधीशों से, कि सूत्र से पर्दा हटाएं, ये सूत्र की आजादी को खत्म करें। ये सूत्र बिना बात किसी को बदनाम नहीं कर सकता। ये सूत्र मीडिया का मुखौटा बनकर किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगा सकता, किसी को नाटकबाज नौटंकीबाज करार नहीं दे सकता। अगर सूत्र झूठा है, अगर ये सूत्र अपराधी है, ये सूत्र ने घिनौना काम किया है, तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं देश के मनीषियों से, बुद्धिजीवियों से, हिंदुस्तान के लोगों से, आवाम से, नेताओं से, इस सूत्र पर कड़ा पहरा करें और सूत्र को कटघरे में खड़ा कर न्याय दें। मुझे उम्मीद है और अदालतें हैं और अदालतें भी इसे देख रही होंगी और सच सामने आएगा। हिंदुस्तान कभी बदनाम नहीं हुआ, हिंदू के संतों ने कभी बुरा काम नहीं किया। हिंदू धर्म महान धर्म है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान एक बार फिर सिर उठाकर खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत।